देहरादून में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया, जहाँ गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में सैनिक कल्याण निदेशालय ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तराखंड के 36 शहीद परिवार और कारगिल पदक प्राप्त विजेताओं को सीएम धामी ने सम्मानित किया और उनके पांव भी छुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है, ये वीरों की भूमि है। सीएम धामी ने ये भी कहा कि शहीदों के परिजनों के लिए सरकार सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमको कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं, उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहाँ हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है। जब ये कारगिल युद्ध चल रहा था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध था जिसको छदम युद्ध भी हम कह सकते हैं, 526 लोगों ने शहादत पूरे देश की लोगों ने दी थी, जिसमें 75 शहादत मेरे उत्तराखंड से हुई थी। आज उनको नमन करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको जो है प्रणाम करने का दिन है।